देखिए मैं आपको इसका क्रिस्प सुनाती हूँ, मैं कचौरी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही करारी बनी है, देखिए साइड में से इसकी पपड़ियाँ भी निकल रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुपमा, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे हरे मटर की बहुत ही खस्ता कचौरी। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने एक कटोरी बॉइल्ड मटर लिए हैं, इन्हें मैंने हाफ बॉइल किया हुआ, ये पेंसिल मटर है। आधी छोटी कटोरी मैंने हरा धनिया लिया है, से 2 कप मैदा लिया है। टन डालने के लिए 1/4 कप मैंने यहाँ तेल लिया है। मसालों में मैंने यहाँ 4 हरी मिर्च ली है, इन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। ये हींग लिया है, इसे 1 to 2 pinch यूज़ करेंगे हम। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच सौंफ पाउडर है, इसे मैंने सौंफ को हल्का सा भून लिया, उसके बाद पीस लिया था इसे। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर है, छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे। आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा लिया है, 1 चम्मच अदरक, 1/4 चम्मच से कम मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है। और यहाँ 2 से 3 छोटी चम्मच हम ऑयल लेंगे स्टफिंग के लिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ मैदे को हम सबसे पहले छान लेंगे। 1 कप और ये 2 कप मैदा लिया है मैंने। अब यहाँ हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मैं आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसमें हम 1/4 कप मोयन डालेंगे और इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मोयन आटे में हर तरफ होना चाहिए कि ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। कैसे पता करेंगे मिक्स हुआ है या नहीं? ये जब मिक्स हो जाए इसे इस तरह से करें और ये ऐसे बंध जाए तो मतलब ये बहुत अच्छे से मैदे में मिक्स हो चुका है। ये हम थोड़ा थोड़ा पानी कर कर एक डो बना लेंगे, चपाती की तरह सॉफ्ट डो। हमें इसके लिए टाइट डो नहीं बनाना है और डो को बहुत ज़्यादा हमें मसल मसल के नहीं बनाना है, सिर्फ कंबाइन करना है। देखिए मैं इकट्ठा कर रही हूँ बस डो को, ऐसे ही आपको भी ऐसे ही करना है। इकट्ठा हो चुका है, थोड़ा सा पानी और लग की ज़रूरत पड़ रही है। ये तैयार हो चुका है, अब इसे हम रेस्ट करने देते हैं, जब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया, अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। तो यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम यह ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरे को हम अच्छे से भून लेंगे। अब ज़ीरे के बाद इसमें हम 1 pinch हींग डाल देंगे। हींग अच्छे से फूट चुका है, अब इसमें हम यहाँ पर हरी मिर्च डालेंगे। अब ये मिर्च भून चुकी है, इसमें हम यह सौंफ पाउडर डाल देंगे। इसके बाद ये जिंजर का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें स्लो रहने देना है। मटर के दाने इन्हें हमें मिक्सर में क्रश करना है, तो इन्हें हम फटाफट से क्रश कर लेते हैं। दानों को हमने दरदरा पीस लिया है इस तरह से, अभी इसे डाल देते हैं हम यहाँ और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ इसमें हम आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, ये गरम मसाला डालेंगे, इसमें अमचूर पाउडर भी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब लास्ट में इसमें हम सारा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जो भी नमी हो वो निकल जाए। स्टफिंग अच्छे से भून चुकी है, 5 मिनट हो चुके हैं मुझे भुने हुए। इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मटर है वो बॉइल थे पहले से। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और स्टफिंग को ठंडी हो जाने देते हैं, उसके बाद हम कचौरियाँ बनाएंगे। आटे ने रेस्ट कर लिया है जब तक हमने स्टफिंग बनाई, स्टफिंग भी अब ठंडी होने आ गई है। अब एक बार तेल का हाथ लगाकर इसे हम अच्छे से नीट कर लेते हैं। थोड़ा डो नीट होकर एकदम तैयार है, अब इसके हम बराबर के पेड़े तोड़ लेते हैं। इसे हम इस तरह से लंबाई में लंबा करते जाएंगे। अब हम इस तरह से इक्वल साइज में कट कर लेते हैं। ये कट हो गई है, अब इसके हम इस तरह से पेड़े बना लेते हैं। हम मीडियम साइज की कचौरियाँ बनाएंगे। ये स्टफिंग मैंने इस तरह से निकाल ली है, ठंडी हो चुकी है। अब एक पेड़े को इस तरह से गोल कर लेंगे और यहाँ से हम इसे साइड साइड से पतला करेंगे, एकदम साइड से घुमाते हुए कटोरी का शेप देंगे। बहुत इजी है बनाना, आप भी बना सकते हैं बहुत इजीली। देखिए बहुत इजी मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। अभी स्टफिंग, 1 चम्मच स्टफिंग डाल दी मैंने और स्टफिंग को हल्के से अंगूठे से अंदर कर देंगे और कचौरी को एकदम से
सभी तरफ से मिला लेंगे। ध्यान रखें खुले नहीं है, और इस तरह से गोल कर लेंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये एक कचौरी बनके तैयार है, देखा आपने। बस ध्यान रखना है कि पेक हुई हो अच्छे से। बस अब दूसरी बनाते हैं। इसी तरह एक पेड़ा लेंगे, दूसरा भी। इसे भी हम साइड से देखिए, जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करना है। साइड से हम घुमाएंगे, एक गहरा कटोरी जैसा शेप दे देंगे। ये दे दिया। अब ये एक चम्मच स्टफिंग है, और स्टफिंग को इस तरह अंगूठे से हम अंदर कर देंगे। अब इस तरह से मिलाते जाएंगे। चिपक जानी चाहिए, क्योंकि डो सॉफ्ट रहता है तो चिपक जाती है। अब ये दूसरी भी बनकर तैयार है। तो दोस्तों हमारी सारी कचौरियाँ बनकर तैयार है, अभी इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब गैस को एकदम स्लो पे कर देंगे हम। हमें बहुत ज़्यादा तेज ऑयल में कचौरियाँ नहीं डालनी है, एकदम कम फ्लेम पर। तो हम कचौरियाँ डाल देते हैं। ये हल्की हल्की से सीख जाए, उसके बाद ही इन्हें हमें पलटना है, अभी छेड़ना नहीं है बिल्कुल। 2 से 4 मिनट हो चुके हैं, अभी इन्हें एक एक बार हम पलट लेते हैं। कचौरियाँ भी फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। अब देख सकते हैं कितनी खस्ता बनी है, और कितना अच्छा इसका कलर आया है, बिल्कुल सुनहरा कलर। से भी हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। कचौरियों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। और जब तक हम इन कचौरियों के साथ खाई जाने वाली मसाले वाली हरी मिर्च को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने करीबन 8 से 10 हरी मिर्च ली है, इन्हें उसी गर्म तेल में हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ ये हरी मिर्च फ्राई हो चुकी है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये जीरावन पाउडर इन मिर्चियों पर डालेंगे, करीबन आधी चम्मच। थोड़ा सा 1 to 2 pinch हम सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे। वैसे तो जीरावन पाउडर में सॉल्ट होता है, अगर और कोई मसाला डालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हाथ से ही हम मिला देते हैं अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से इस पे मसाला कोट हो चुका है, और ये खाने में कचौरी के साथ होटलों में दी जाती है, और ये बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए हमारी सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई है, और थोड़ी अभी इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। साथ में कचौरी के साथ दी जाने वाली हरी चटनी और लाल चटनी, और इसी के साथ ये मसालेदार हरी मिर्च। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना इजी है मटर की कचौरी बनाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे देन बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।